अभी अभी खबर आई है कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशराफ अहमद की गोली मारकर हत्या हो गई है। यह हत्या तब हुई है जब यूपी पुलिस दोनों को प्रयागराज हॉस्पिटल में जांच के लिए ले जा रही थी, तो दोनों के ऊपर काफ़ी क्लोज रेंज से फायरिंग हुई है और जो कातिल थे वो पत्रकारों के भेष में आए हुए थे। एक दो दिन पहले ही अतीक का बेटा असद अहमद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद पर 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पाल के हत्या का आरोप लगा था और इस पर उमेश पाल के भी हत्या का आरोप चल रहा था। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद अभी 13 अप्रैल को पुलिस एनकाउंटर में झांसी के पास मारा गया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो और उसका साथी गुलाम दोनों ही उमेश पाल के हत्या के जुर्म में वांछित थे और दोनों के ऊपर 5 लाख का इनाम भी था।